पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा और मौजूदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकुशी। ये खुदकुशी ऐसे वक्त में हुई है जब उनकी शादी को सिर्फ निसफ साल रह चुका था, यानी इसी साल वो शादी भी करने वाले थे। उनकी मंगनी हो चुकी थी, उन्होंने खुद अपने सर पर गोली मारी और अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ली। इतने बड़े सरमायादार, दौलत की रेल पेल, गाड़ियां, कोठियां, बंगले, आखिर क्या वजह थी उनकी मौत की, बताते हैं आपको इस वीडियो में। क्योंकि पुलिस हुकाम ने जो तहरीर सामने लाई है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी एक बीमारी का जिक्र किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको कि आलमगीर तरीन कौन थे और उन्होंने खुदकुशी किस वजह से की। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। आलमगीर तरीन जनूबी पंजाब में एक सरकर्दा बिजनेसमैन के तौर पर अपना नाम और मकाम रखते थे। वो शमीम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि आलमगीर तरीन मुल्क के सबसे बड़े पानी साफ करने के प्लांट्स भी चला रहे थे। आलमगीर तरीन ने बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बैचलर किया और बाद में मारूफ यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। आलमगीर तरीन खेलों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसी वजह से उन्होंने PSL में एक नई टीम यानी मुल्तान सुल्तान की बुनियाद रखी। उन्होंने सिर्फ मर्द खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि ख्वातीन खिलाड़ियों के लिए भी ठोस प्लेटफॉर्म कायम किए और वो इसके लिए मज़ीद वसाइल भी फराहम करने पर यकीन रखते थे। और अब चलिए बात करते हैं उनकी बीमारी की। आलमगीर तरीन ने अपनी खुदकुशी की वजह अपनी बीमारी बताई है। उन्होंने लिखा कि मैं ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, 6 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श थी, मुझे जल्दी बीमारी है जिसकी वजह से मुस्तकिल स्ट्राइड लेना पड़ती है, चेहरे की बाई जल्द को नुकसान हुआ है और मुझे इन दवाओं का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा और अब मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हूँ, आंखें मुतासर हो रही हैं, पढ़ना तक बंद कर दिया है, कमर दर्द के बायस रात को नींद की गोलियां खाना पड़ती हैं, भरपूर ज़िंदगी गुजारी है और अब डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता। जहांगीर तरीन मेरे नौकर का ख्याल रखें और मेरे मुलाजम ने मेरी खिदमत अपनी पूरी ज़िंदगी में की है और इसको पुलिस परेशान ना करे। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि आलमगीर तरीन ने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारी और यही तन्हाई उनकी ज़िंदगी छीन गई। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।